राजस्थान के सिरोही जिले के गुला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि सबसे छोटा है। वहां पर गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती। गर्भवती महिला को यहाँ से दूर रोयडा, सरगंज और आलगोड, जो कि रोयडा 10 किलोमीटर है, सरगंज 18 किलोमीटर है और आलगोड 33 किलोमीटर दूर परसों लेकर जाना पड़ता है। आने जाने के लिए क्या साधन थे सर? आने जाने के लिए या तो प्राइवेट जीप से जाते हैं, 104 की सुविधा नहीं के बराबर है। कॉल करते हैं, कभी वेटिंग आता है, एक घंटा लेट आती है। और हमारे यहाँ की दूर दराज झाड़ियों में जो लोग रहते हैं, जो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में, जो मुख्य सड़क तक लाने के लिए उनको या तो झोली या खाट चारपाई की व्यवस्था करके उनको मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। इसमें कई बार गर्भवती महिलाओं की जान जाने का भी खतरा रहता है। क्या यहाँ पर RMRS जो कमेटी थी पहले से एक्टिव थी या फिर आपके जाने के बाद एक्टिव हुई? वो कैसे हुई? यहाँ पहले कोई RMRS नाम की चीज़ नहीं थी। सुरक्षित मातृत्व गठबंधन जो राजस्थान का है, जो मातृत्व सुरक्षा को लेकर के काम कर रहा है, मैं उसके द्वारा काम करने के लिए यहाँ बुला PSC पे गया तो पता चला कि यहाँ PSC नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रही है। RMRS ने आपके गांव में PSC बनाने की प्रक्रिया में कब और कैसे शुरुआत की इसके लिए? वित्तीय वर्ष 2015-16 में जब से ये PSC स्वीकृत हुई है बुला, और उसी दौरान मैं भी सरपंच बना हूँ और मैं RMRS से जुड़ गया। तो हमने कई बार RMRS से चौधरी जन्नावर साहब, हमने कई बार मीटिंग की, गांव वालों से मिले और भूमि के लिए भी बातचीत की, और हमने कई बार SDM साहब को इन्होंने RMRS के थ्रू भी ज्ञापन दिया और हमारे पंचायत लेवल पर भी ज्ञापन दिया। RMRS एक स्वास्थ्य की समिति कमेटी है जो स्वास्थ्य केंद्र पर होने वाले कमियों को स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करती है, स्वास्थ्य केंद्र के विकास के बारे में काम करती है। और यह भूला में यह कमेटी, स्वास्थ्य केंद्र तो स्थानीय उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था, तो इसने, इस कमेटी ने स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण तक में जो आने वाली प्रक्रिया थी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसमें आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, प्रथम तो हमें भूमि की चयन के को लेकर के ज़्यादा दिक्कतें आई एवं स्थानीय विधायक का भी सहयोग नहीं रहा। फिर हमने इसको RMRS की मदद से भूमि को चयन करके उनको सोनी जनावर साहब को बताई ये उपयुक्त रहेगी या नहीं रहेगी। फिर उस खातेदारों से बात की, जो 8-10 खातेदार थे, उन सबसे सहमति ली, उसका समर्पण करवाया। इसलिए हमें बार बार जिला कलेक्टर महोदय और SDM साहब के पास भी जाना पड़ा, तहसीलदार साहब के पास भी जाना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी हमारे लिए कि RMRS नाम का कोई चीज़ नहीं था, जिसको हमने नए सिरे से गठन करके एक कमेटी को जिंदा किया और जिंदा करके निरंतर उसकी मीटिंगें करके ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया कि RMRS एक कमेटी है जो अपने परिवर्तन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती है। तो हमें सरकार के सामने अधिकार के लिए, हमारे खुद के अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ा, ज्ञापन देने पड़े, धरने देने पड़े, सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए ये भी कहना पड़ा कि हम अनशन करेंगे, पैसा दे करके ज़मीन खरीदनी पड़ी, ज़मीन का समर्पण करवाना पड़ा। उसके बाद में ठेकेदार ने अपनी मनमानी की, जो निर्माण नहीं कर रहा था, ठेकेदार से बातचीत की गई, उसको समझाया गया। पूरे केस में MLA जो है, विधायक समाराम गरासिया, उसने भी विरोध किया, वो दूसरी जगह इसको ले जा करके स्थापित करना चाह रहा था, मोरस एक गांव है जहाँ बनाना चाह रहा था। हमने मंत्री को भी पत्र लिखा कि भाई पूर्व में ये स्वीकृत है, मोरस में क्यों बना रहे हो। हम उस समय तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर से भी मिले और इसको निरस्त करवा करके इसी भूला में करवाया और अभी वर्तमान में निर्माण शुरू करवाया गया। PSC बनने में कितना समय लगेगा? करीबन 1.5 वर्ष तक लगातार भूमि आवंटन को लेकर चक्कर मारते रहे। अभी 3 महीने पहले ये स्वीकृत हो चुकी है और वर्तमान में काम शुरू है। जो ठेकेदार को 6 महीने का समय दिया हुआ है, लेकिन हम आशा करते हैं कि 1 साल में तैयार हो जाएगा। इस भूमि आवरण होने के बाद में कितने हजार लोगों को फायदा होगा और कितनी महिलाओं को फायदा होगा? हमारा भूला गांव 14 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है, इसको तो फायदा होगा ही होगा। इसके आसपास लगते हुए जो गांव है, दोहित्रा, बोरीबूज, गोपाला बेड़ा, सैमली, कोटड़ा तहसील के आधे गाँव को भी फायदा होगा। ये सब 5,000 महिलाओं को फायदा होगा। अक्सर हमारे गाँव में स्वास्थ्य संबंधी समितियाँ होती है, लेकिन हम उसके बावजूद वहाँ पर सहयोग और ध्यान नहीं देते। अगर हम सब लोग मिलकर इस समस्या पर ध्यान दें तो हमारे गांव में भी पुला गांव की तरह कार्य किया जा सकता है। वहां के सरपंच आज दूसरे गांव के सरपंच के लिए एक उदाहरण है। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से ये अपील करता हूं कि आप भी अपने गांव में
ऐसी समितियों पर ध्यान व सहयोग करें ताकि आपके गांव में भी स्वास्थ्य संबंधी पर बात हो, वो समस्याओं का आभा ना हो। मैं शंभुराज सवर सिरोही जिले से, फुला गांव से, इंडिया अनर्ट के लिए।